बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना के बड़े नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे सूरत के एक होटल में इस वक्त मौजूद हैं। लगातार जो हालात इस वक्त बन रहे हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र के 22 विधायक इस वक्त सूरत में मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जहां उठा पटक इस वक्त चल रही है उसी को लेकर ये बड़ी अपडेट। 22 विधायक सूरत में है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार विधायकों को लेकर अब गिनती शुरू हो गई है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है, 22 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त सूरत में पहुंचे हुए हैं। सूरत पहुंच रहे हैं 6 और विधायक, यानी कि 22 तो पहले से ही वहां पर है, 6 और विधायक सूरत पहुंच रहे हैं। और 30 विधायकों के समर्थन का दावा यहाँ पर एकनाथ शिंदे की ओर से पहले ही कर दिया गया है। यानी कि बड़ी सियासी उठापटक सरगर्मी देखने को इस वक्त महाराष्ट्र में मिल रही है। शिवसेना जहां पर अलग से एक बैठक कर रही है, साथ साथ एनसीपी की ओर से भी एक बैठक अब यहां पर की जाएगी और शरद पवार उसकी अध्यक्षता करेंगे। और बड़ा उफान यहां पर देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को भी आज दिल्ली के लिए बुला लिया गया है, दिल्ली वो जाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, कई सारे विधायक लगातार सूरत की ओर रुख कर रहे हैं और पहले ही वहां पर एकनाथ शिंदे जा चुके हैं। लगातार सियासी उठापटक जारी है और ऐसे में विवेक हमारे साथ जुड़े हुए, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए और नीरज भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले अमिताभ सिन्हा के पास चलेंगे। अमिताभ, आप क्या देख पा रहे हैं, जिस तरीके से सियासी उठापटक लगातार यहां पर मच रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फेरबदल होगा? 12 बजे एकनाथ शिंदे ऐलान करने वाले हैं। अब जो भी ऐलान करेंगे, इससे तो साफ हो गया विधायकों की संख्या जो बताई जा रही है कि अब जो वहाँ की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। 2.5 साल किसी तरह मशक्कत करके ये सरकार चली है, लेकिन अब लगता है इन 2 चुनाव जो हुए हैं, विधान परिषद के और राज्यसभा के, इसके बाद ये सरकार अल्पमत में आती नज़र आ रही है। एकनाथ शिंदे के ऐलान के बाद ये साफ हो जाएगा। अब ऑप्शन क्या बचता है, अगर बीजेपी को ये समर्थन करते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी। 2.5 साल बचे हैं अभी 2.5 साल के में बचे हैं, तो मध्यवर्ती चुनाव के लिए शायद मुझे नहीं लगता कोई भी विधायक या कोई नेता चाहेगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन का उपाय भी है, गवर्नेंस रूल हो सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पे अगर सरकार फेल कर जाती है, चुनाव अगर कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो चुनाव भी हो सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है, अभी विधानसभा में वहाँ स्पीकर भी नहीं है नाना पटोले के इस्तीफे के बाद। अगर स्पीकर के चुनाव पर भी जोर डालते हैं तो हो सकता है कि अगर उसमें जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है वो फेल कर जाए, क्योंकि वहाँ गुप्त मतदान से स्पीकर का चुनाव होता है। और सबसे बड़ी अहम बात है उनके अपने नेताओं की नाराजगी। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बड़े ताकतवर नेता माने जाते रहे हैं, कम से कम इसमें जी अमिताभ, यानी बहुत सारे विकल्प यहाँ पर जरूर हैं। और साथ साथ विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके की उठापटक इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि 6 विधायक कहा जा रहा है कि और सूरत जाएंगे और पहले ही 22 विधायक वहां पर मौजूद है। देखिए शिवानी, काफी ज्यादा उथल पुथल यहाँ पे मच चुकी है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, शिवसेना के 30 से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं। 30 से ज्यादा विधायक सूरत पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 17 विधायक पहले से ही सूरत के एक होटल में मौजूद हैं। 17 में से 12 विधायक शिवसेना के हैं, 5 निर्दलीय हैं, यानी कि 17 विधायक अभी एकनाथ शिंदे के मुट्ठी में हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कम से कम 10 से 12 शिवसेना विधायक है वो भी नाराज है, वो भी सड़क के रास्ते मुंबई से सूरत जा रहे हैं। मुंबई से सूरत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे अचानक रातों रात अपने एमएलए अपने विधायकों के साथ मुंबई छोड़कर गुजरात क्यों पहुंचे। और यही सवाल भी है विवेक कि आखिर क्यों वो रातों रात सूरत चले जाते हैं। अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अमिताभ, आखिर क्या वजह हो गई, बातचीत के जरिए क्या मुद्दे हल नहीं हो सकते थे, आखिर क्यों रातों रात वो तमाम विधायकों को लेकर सूरत चले गए? देखिए, अब सरकार चलते चलते 2 साल से ज़्यादा हो गया था, 2.5 साल पूरे हो रहे थे। एकनाथ शिंदे लगातार अपनी अनदेखी से नाराज थे। सरकार में उनके पास नगर विकास मंत्रालय था, लेकिन उनका बार बार ये आरोप लगता था कि मुंबई से जुड़ी फाइलें या उनके मंत्रालय से जुड़ी फाइलें उनके पास नहीं आती हैं, बल्कि पार्टी के आला कमान के पास चली जाती हैं। ये लगातार वो आरोप लगाए कि जो मंत्रालय उनको मिला है उसमें उनको फ्री हैंड नहीं करने दिया जा रहा है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी जो सबसे अहम बात थी, एकनाथ शिंदे बार बार ये आरोप लगाते थे कि जो भी उनका नेता उनका विरोध करते हैं, जीतन अवार्ड जैसे नेता, उनको आलाकमान ज्यादा तवज्जो देता है, इसलिए एकनाथ शिंदे लगातार नाराज थे। पिछली कुछ बैठकों में भी एकनाथ शिंदे जो सदन के नेता भी थे उनको तवज्जो नहीं दी गई, दूसरे नेताओं को तवज्जो दी गई कोऑर्डिनेशन के काम की, तब वो उन बैठकों से भी वो पीछे हट गए थे, उन बैठकों में गए नहीं थे। इसलिए कहा जा सकता है एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज थे। वो उस कद के नेता अभी माने जाते हैं, एक जमाने में जो छगन भुजबल और नारायण राणे बाला साहब के समय हुआ करते थे, अब एकनाथ शिंदे का वही स्टेचर है, वही कद है पूरे महाराष्ट्र और शिवसेना
की राजनीति में, इसलिए एकनाथ शिंदे नाराज हुए। नाराजगी पार्टी के कई विधायकों में भी थी क्योंकि उनकी मुलाकात पार्टी के आलाकमान से मुख्यमंत्री से हो नहीं पा रही थी और अपनी सरकार रहते हुए भी वो लगातार काम नहीं कर पा रहे थे और जनता के बीच जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके काम नहीं हो पा रहे थे जो जनता से जुड़े हुए थे। और तीसरी जो सबसे अहम बात थी, शिवसेना हो, शिवसेना और एनसीपी लगातार हर चुनाव में आपस में लड़ती रही है, चाहे वो मराठवाड़ा हो चाहे पश्चिम महाराष्ट्र। अब आने वाले चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलती ये बड़ी मुश्किल की बात होती। 22 सीट लड़ती है पश्चिमी महाराष्ट्र में शिवसेना, जिसमें 15 सीटें एनसीपी के खिलाफ होती हैं। इसमें एनसीपी को छोड़ते या शिवसेना को, तो ये बहुत मुश्किल थी और एकनाथ शिंदे की नाराजगी यहीं भर आई और यहीं पर उन्होंने मौका देखा और देवेंद्र फडणवीस ने अपने पत्ते ठीक ठाक खेले और ये नौबत आ गई है सरकार गिरने की। बिल्कुल, और अब इसी को समेटने की कोशिश यहाँ पर शिवसेना की ओर से भी लगातार होगी। आशीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले नीरज के पास भी चलेंगे। नीरज के पास से भी जाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें। बड़ी खबर लगातार जिस तरीके से सियासी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, उसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है। महाराष्ट्र के 22 विधायक सूरत में हैं, आपको बता दें सूरत पहुंच चुके हैं, गुजरात पहुंच चुके हैं 22 विधायक। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर और कई सारे विधायक और जाने वाले हैं ये भी कहा जा रहा है। मुंबई में कांग्रेस की बैठक यहां पर अब होगी। महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। बालासाहेब थोराट के घर पर यह बैठक चल रही है इस वक्त। मुंबई में कांग्रेस की बैठक है, सभी विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा अब ये देखना होगा। लगातार आशीष के पास चलते हैं। आशीष, देखिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अब मुंबई में कांग्रेस की बैठक भी शुरू हो चुकी है, और क्या अपडेट्स आपके पास आ रही है इस वक्त? जी, इस वक्त देखिए तो आपको यहाँ पे बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जो विधायक हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, बैठक अभी अंदर जा रही है। और सबसे अहम बात ये कि अशोक चौहान हो बाला साहब थोराट के घर पे, या फिर नितिन राउत, यशोमती ठाकुर, सतीश पाटिल, अमित देशमुख, विश्वजीत कदम, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदर जो मीटिंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि कांग्रेस ने कल विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो विधायक वापस लौट गए थे, उन विधायकों को साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि वो वापस मुंबई आए। उसी को लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। एकनाथ शिंदे का जिस तरह का रवैया रहा है उसके मद्देनजर, कहीं ना कहीं जिस तरह की आपात स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर फिलहाल इमरजेंसी या आपातकालीन ये बैठक कांग्रेस की तरफ से ली जा रही है। साफ तौर पर एक अहम बात, बाला साहब थोराट जो है वो कहीं ना कहीं हार की जिम्मेदारी, जो विधान परिषद में चंद्रकांत हंडोरे हारे हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेने के साथ साथ अन्य मुद्दे, खासतौर पर सरकार को लेकर जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल शुरुआत में जानकारी आई थी कि जो पार्टी के आलाकमान है उन्होंने जो प्रमुख नेता है उन्हें दिल्ली तलब किया है, लेकिन दिल्ली तलब करने से पहले ही यहां पर इस वक्त बाला साहब थोराट के घर पे जो अहम मीटिंग जारी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचलों के मद्देनजर सबसे अहम हो जाती है। आशीष, बिल्कुल ये अहम हो जाएगी और ऐसे में कोशिश की जा रही है विधायकों को जोड़े रखने की, उनकी परेशानियां, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनने की।